आपके पास सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी है, चाहे आपके पास 32 इंच, 43 इंच, 55 इंच, 65 इंच या फिर आपके पास एलजी का कोई सा भी स्मार्ट एलईडी टीवी, आप उस टीवी की साउंड अपने हेडफोन में लेना चाहते हो, मतलब टीवी की साउंड को आप ट्रांसफर करना चाहते हो हेडफोन में, या फिर आप एडिशनल स्पीकर लगा के उस साउंड को आप शिफ्ट करना चाहते हो, तो वो कैसे होगा इस वीडियो में पूरा बताता हूँ। तो शुरू से लेकर एंड तक बनाना, कोई भी स्टेप आपको मिस नहीं करना है। मेरा यूट्यूब चैनल में एलईडी टीवी गुरु में आप लोगों का स्वागत है। हम जो कवर कर रहे हैं वो है सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी एंड एलजी का स्मार्ट एलईडी टीवी, दोनों टीवियों की साउंड हम कैसे अपने हेडफोन में ले, ठीक है, और वो कोर्स कैसे पता करें कि हमारे टीवी में ब्लूटूथ का ऑप्शन है या नहीं है, ठीक है। तो मेरे पास टीवी है सैमसंग का, आपके पास कोई सा भी हो, 32-43, देखने का जो फंडा वो सारा सेम रहेगा, ठीक है। करना क्या है, सिंपल आपको जैसे सैमसंग का स्मार्ट एलईडी टीवी है, आपको इस टीवी की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जब जाओगे, सेटिंग तो आप निकाल लोगे, तो यहाँ पे आता है पिक्चर्स, ठीक है, पिक्चर्स, पिक्चर में पिक्चर की सेटिंग कर सकते हो आप यहाँ पे। अब हम बात कर रहे हैं साउंड की, साउंड तो सेकंड ऑप्शन आता है, साउंड आउटपुट, साउंड आउटपुट पे आप क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएंगे टीवी स्पीकर्स, ऑप्टिकल्स, ठीक है, या टीवी स्पीकर की साउंड ली जाएगी। ऑप्टिकल के अंदर जो वायर से आपने होम थिएटर या साउंड वायर में लगाया है, तो टीवी की साउंड वायर से ऑप्टिकल पे करने पर जाएगी। ब्लूटूथ स्पीकर लिस्ट, अगर यहाँ पे ब्लूटूथ स्पीकर लिस्ट लिखा हुआ आ रहा है, आपकी टीवी में ब्लूटूथ है, अगर नहीं है तो नहीं आएगा, इसको क्लिक करोगे। सिंपल ब्लूटूथ स्पीकर लिस्ट को क्लिक करोगे, जैसे ही क्लिक करोगे आप, तो यहाँ पे आपको सर्चिंग करना स्टार्ट कर देगा, जो भी आपका हेडफोन का मॉडल नंबर या साउंड वायर का मॉडल नंबर है यहाँ पे आ जाएगा। ओके करोगे, उसकी साउंड ये अपने उसकी ट्रांसफर हो जाएगी। अब जिसकी टीवी के अंदर ब्लूटूथ है नहीं है, तो उसका कोई ऑप्शन नहीं है, जैसे कि अभी 32 इंच का टीवी है, ठीक है, इसकी सेटिंग में मैं जाता हूं, इस मॉडल में ब्लूटूथ नहीं है, तो सिंपल वहां कैसे दिखाएगा, पिक्चर्स, साउंड, साउंड आउटपुट, और यहाँ पे दो ही ऑप्शन आएंगे, टीवी स्पीकर, ऑप्टिकल, तीसरा आएगा नहीं ब्लूटूथ वाला, इसमें ऑप्शन आता ही नहीं है ब्लूटूथ का। कुछ 32 इंच के मॉडल में ब्लूटूथ का ऑप्शन आता है, कुछ में नहीं आता है, सैमसंग स्मार्ट एलईडी टीवी के अंदर 43 इंच में सभी में आते हैं। अगर आप एलजी टीवी की बात करोगे, तो एलजी के अंदर सिंपल आपको सेटिंग में जाना है, सेटिंग में जाओगे, सेटिंग पे आप क्लिक करोगे तो सारे सेटिंग के ऑप्शन आ जाएंगे, तो सबसे पहले वही आपको चॉइस करना है, पिक्चर्स, साउंड, साउंड में आपको क्लिक करना है, साउंड आउटपुट यहाँ पे आओगे, तो यहाँ पे यूज टू टीवी स्पीकर, यूज वायर्ड स्पीकर, यूज वायरलेस स्पीकर, तो इसके अंदर ब्लूटूथ है, यूज वायरलेस स्पीकर लिखा हुआ है, इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे ब्लूटूथ डिवाइस, क्लिक करोगे ब्लूटूथ डिवाइस तो यहाँ पे है, तो इस तरह से यहाँ पे आपको ये आप सर्च करना स्टार्ट कर देगा। इसके अंदर आपको दो ब्लूटूथ ऑप्शन दिए गए, एक टाइम पे दो आप ब्लूटूथ हेडफोन या स्पीकर एक साथ दोनों कनेक्ट कर सकते हो 43 इंच के अंदर। तो इस प्रकार से आप सैमसंग और एलजी में अपने टीवी के साउंड को हेडफोन से कनेक्ट कर सकते हो विदाउट वायर ब्लूटूथ के थ्रू। और ब्लूटूथ का यूज अब दो यूज इतना ही होता है कि आप टीवी की साउंड अपने हेडफोन में ले सकते हो या स्पीकर में ले सकता हूँ। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आपके पास कौन सी टीवी आप पूछना चाहते हो कैसे कनेक्ट होगा, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो मेरे और मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। जो भी टीवी का मॉडल नंबर बता दीजिए, अगर आपको नहीं मिल रहा है कि हमारे पास टीवी में ब्लूटूथ है कि नहीं है, तो टीवी के अंदर जो आप ब्लूटूथ कमेंट करोगे मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।